नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 11 SE वर्सेस Tecno Camon 19 Pro Mondrian का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 11 SE में 6.32 इंच जबकि 19 Pro Mondrian में 6.56 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.93 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 11 SE में 178.8 ग्राम जबकि 19 Pro Mondrian में 204 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 11 SE से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 11 SE में Super AMOLED जबकि 19 Pro Mondrian में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 11 SE में 6.43 इंचेस जबकि 19 Pro Mondrian में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi Note 11 SE में 1080x2400 और 19 Pro Mondrian में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 11 SE में 83.48% जबकि 19 Pro Mondrian में 88.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 11 SE में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि 19 Pro Mondrian में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 11 SE में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 19 Pro Mondrian की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अननोन कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 11 SE में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 19 Pro Mondrian की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU की बात करें तो Redmi Note 11 SE में Mali G76 MC4 जबकि 19 Pro Mondrian में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 11 SE में MediaTek Helio G95 और 19 Pro Mondrian में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 11 SE में 6GB जबकि 19 Pro Mondrian में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 11 SE में 64GB जबकि 19 Pro Mondrian में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi Note 11 SE में Android V11 जबकि 19 Pro Mondrian में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 11 SE में 4 कलर्स जबकि 19 Pro Mondrian में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 11 SE 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें 19 Pro Mondrian की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi Note 11 SE में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Tecno Camon 19 Pro Mondrian की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11s ही आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें IQOO Z6 5G है, दूसरा Samsung Galaxy F23 5G है, तीसरा Oppo A76 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Spark 9 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।